एकीकडे राष्ट्रीय पटलावर आपलं अस्तित्व निर्माण करू पाहणाऱ्या के चंद्रशेखर राव यांना स्वतःचा तेलंगणाचा बालेकिल्ला राखता आला नाही. 2023 विधानसभा निवडणुकांचे निकाल पाहता काँग्रेसने मोठी मुसंडी मारली आहे. के चंद्रशेखर राव एका बाजूला मोदींना पर्यायी चेहरा ठरतील का अशी चर्चा सुरू असताना त्यांना स्वतःचा बालेकिल्ला राखणे देखील शक्य झाले नाही. नक्की त्यांचं कुठं चुकलं, भाजपची जादू का चालली नाही याबाबत नागरिकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी सूचक अशा प्रतिक्रिया दिल्या. बीआरएस की बात जो है, बीआरएस तेलंगाना के पूरे पब्लिक को धोखा दी, ऐसे कई स्कीम से जो नहीं मिले. और बीआरएस तो 10 साल देखे, अभी नया सरकार जो आएगा यहाँ पे कांग्रेस में उसको भी देखेंगे. हाल हक मार लेंगे बड़े बिरास वाले. और कांग्रेस पार्टी क्या है, अपनी पार्टी सब लोगों को एक साथ मिलकर चलती नहीं, इसलिए कांग्रेस पार्टी को जीता नहीं. बीजेपी तो हमने कभी जीता ही नहीं, बीजेपी निजाम बस के भी आए नहीं हमारे. क्योंकि बीआरएस और बीजेपी मिले हुए हैं, इस वजह से खुसूसन मुसलमान तो उनका साथ नहीं दिया. पहली बात तो बीजेपी और बीआरएस की बात करो, बीआरएस की बात जो है, बीआरएस तेलंगाना के पूरे पब्लिक को धोखा दी, ऐसे कई स्कीम्स है जो नहीं मिले. अब लोन्स की बात करो, कई जिसको लोन्स नहीं मिले, डबल बेडरूम नहीं मिले. डेवलपमेंट की बात करें तो आप चलो आप डेवलपमेंट में दिखाता हूँ. डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ सैंक्शन हुए थे बीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से, मगर वो 1000 करोड़ कहाँ गए, कहाँ हुआ 1000 करोड़ का डेवलपमेंट. ये लाइटा सिर्फ 100 रुपए के लेटा है, उसको 1000 करोड़ का डेवलपमेंट नहीं बोल सकते. और जैसा भाजपा क्या है, भाजपा डिवाइडर रूल करती है, इसलिए भाजपा का जो तेलंगाना के लोग है, पढ़े लिखे वाले लोग है, अब वो हिंदू मुसलमान मिलके रहते हैं यहाँ पर तेलंगाना में, तो अब हिंदू मुसलमान मिलकर कांग्रेस को लाने का वायदा कर दिए. फिर जैसा हमारे राजशेखर साहब पदयात्रा कर 2004 में कांग्रेस गवर्नमेंट बनाए थे, वैसे ही राहुल गांधी साहब कन्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा कर पूरा कांग्रेस की लहर बना दिए समझो. अब कर्नाटक में जैसा कांग्रेस है, तेलंगाना में भी आती. देखो यहाँ पे पप्पू कौन है और पनौती कौन है? पप्पू तो अभी जैसा हमारे भाई बोले, पप्पू बन गए केसीआर, और पनौती जो है नरेंद्र मोदी है. जैसा अभी वर्ल्ड कप हरा दिए, पप्पू जैसा क्या, पप्पू तो पप्पू बन के रह गए. लोगों को पप्पू बनाया, फिर अब लोग उनको पप्पू बना रहे. अब देखो तुम केसीआर साहब, पनौती जो है, पनौती जैसा अब 2014 में बैठे तो आप बताइए मेरे को. आप तो जर्नलिस्ट है, आपको मालूम होगा क्या क्या चीजें बिक गई. आप देखिए, रेल बिक गया, एयरपोर्ट्स बिक गए. अब ये जो पनौती है, पनौती जो है अडानी की गोद में बैठे वाला है. ये पनौती खुद नहीं कर रहा है, इनको इंस्ट्रक्शन आते हैं अडानी की तरफ से, हाँ ये दे दो मेरे को, ये दे दो मेरे को. ये पनौती का हाल यही है समझे. पनौती रूल नहीं कर रहा है, अडानी रूल कर रहा है इंडिया को. ओके, क्या लगता है? पप्पू केती पकड़ के आने वाले, पप्पू बोले अब उनके पप्पा बन गए नो, और जो पप्पू बोले उन्हो चप्पू पकड़ के निकल जाना बस, और क्या है, इतनी बात खत्म हो गई. क्या लगता है तेलंगाना में बीआरएस और बीजेपी का जलवा क्यों नहीं चल सका? बीजेपी का जलवा, बीजेपी तो तेलंगाना में पहले से नहीं है, और बीआरएस तो 10 साल देखे, अभी नया सरकार जो आएगा यहाँ पे कांग्रेस में उसको भी देखेंगे. ये जरूरी नहीं है हर साल जो आ रहे हैं उन्होंने कंटिन्यू आते रहना. बीआरएस को 10 साल दिए, क्या करते है बोले कुछ भी नहीं करे, खाली रोना सैक्शन करते गए फिर आते गए. देखो रोडों पे कुछ भी काम नहीं है, आईटी पे बनाते बोले वो भी नहीं बनाए, खाली हक मार लेंगे बड़े बिरास वाले. और कांग्रेस पार्टी क्या है, अपनी पार्टी सब लोगों को एक साथ मिलकर चलती नहीं, इसलिए कांग्रेस पार्टी को जीता नहीं, बीजेपी तो हमने कभी जीता ही नहीं, बीजेपी निजाम बस से कभी आई नहीं हमारे. यहाँ पे पप्पू कौन बना और पनौती कौन बनी? पनौती तो एक ही चीज हम सबका, हमारा जो हमारा हल्का भरा दिया, फिर इंडिया को खड़े में डाल दिया, इंडिया के सामाना में दिया. पप्पू सबको मालूम, कोई पनौती कौन है? बीजेपी नरेंद्र मोदी साहब है हमारे, उन्होंने डाले. देखो पप्पू तो अब पप्पू बहन के बैठे तो भागते पप्पू हुए, इसे अर्थ बर्र पप्पू होने भागते. सबको मालूम था पप्पू कौन है, पनौती कौन है आपके साल. क्योंकि बीआरएस और बीजेपी मिले हुए है, इस वजह से खुसूसन मुसलमान तो उनका साथ नहीं दिया, इस वजह से कांग्रेस को लेके चले और कांग्रेस को कामयाब भी कर तेलंगाना. यहाँ पे पप्पू कौन बना और पनौती कौन बने? पप्पू जो है सो केसीआर बने और उनके बेटे केटीआर दोनों भी पप्पुआ बने, और पनौती तो शुरू से नरेंद्र मोदी 2014 से पनौती पैदा जब से हो जब से पनौती हो. क्यों लगता है उन है पनौती? उनकी तरफ से क्या क्या नहीं होगा 2014 से हिंदुस्तान में, हर वो चीज हर वो इतना बड़ा 2023 का वर्ल्ड कप हार गए उन्होंने आने की वजह से स्टेडियम में, और उनके सबसे बड़ी बात तो उनके स्टेडियम में रखे वो सबसे बड़ी पनौती. ठीक है, आप बात करेंगे.